आदू उठ गए आप? आज भी मौसम काफी अनस्टेबल है, कभी बारिश कभी धूप। आज संडे था, आज मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत देर तक सोऊंगा। बहुत देर का मतलब है कि शायद 9-10 बजे तक, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर मैं पिछले कई सालों में देखूं तो शायद मैं कभी 9-10 बजे तक तो शायद मैंने कभी बचपन से ही नहीं सोया। पर कभी कभी मन करता है कि देर तक सोने का, जैसे दोस्तों से बात होती है या तो काफ़ी देर तक सो के उठते हैं। तो मेरा भी मन था कि आज मैं देर में सो के उठूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरी आँख 5 बजे खुल गई थी। थोड़ा सा घूम टहल के वापस सोने की कोशिश करी और फिर भी मेरी आँख 7:30 पर मैं उठ गया था। अभी तक आदू, राधू की मम्मा सो रहे हैं। हेलो आदू, उठ गए आप? उठ जाओ उठ जाओ, शाम हो गई बेटा, उठ जाओ। तो आप कितना सो सकते हैं नॉर्मली एक दिन में, एक 24 घंटे में आप कितना सो सकते हैं? मैं 6 से 7 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं सो सकता हूँ। कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी बिस्तर में पड़ा रहूँ, अगर मैं ज़्यादा देर पड़ा रह गया तो मेरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। और मैं सही बताऊँ, हर एक तरीके से अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक अनस्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमारी नींद का बहुत बड़ा रोल है। कभी आप थके हुए महसूस ना करें, फ्रेशनेस के लिए सोना ज़रूरी है। एक कंप्लीट नींद जो है वो 7 से 8 घंटे से 9 घंटे काफ़ी है सोने के लिए। कुछ लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा सोना पसंद है तो वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक भी सोते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ ज़्यादा सोते हैं, तो जो ज़्यादा सोना है जैसे 10 घंटे के बियॉन्ड, वो हमेशा जो है दिक्कत करेगा, वो हमेशा परेशानी का कारण बनेगा। सोना है आपका जो टाइम है वो 7 से 8 घंटे 9 घंटे। अगर आप योगा करते हैं, योगा नहीं करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, हर एक तरीके से आपका जो स्लीपिंग आवर्स है दैट शुड डिपेंड फ्रॉम 7 to 9 आवर्स। इससे ज़्यादा आपको नहीं सोना चाहिए कभी भी। स्लीपिंग आवर्स के साथ में हमारा जो टाइम है सोने का वो भी बहुत डिपेंड करता है। आप कब से कब तक सो रहे हैं, जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रात में 12:30, 1, 2 बजे जाके सोते हैं। शायद ऑफिस का काम होता है, घर पे लैपटॉप पे कुछ काम चलता रहता है, टीवी चलती रहती है, नहीं है तो अपने से ही कोई हम मूवी लगा के रात में देर तक जागेंगे। और एक्चुअली जब मॉर्निंग होने लगती है, जब 3:30, 3:30 का समय होता है, तब हम सोने जाते हैं और हम अगले दिन 10, 10:30, 11 बजे सो के उठेंगे। कुछ कंडीशंस में लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें वापस ऑफिस जाना है, तो वो 6, 7 बजे, 8 बजे उठ जाएंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा पूरा एंटायर बॉडी सिस्टम जो है वो काम नहीं करता ठीक से। सबसे पहला चीज़, हमारा पेट, हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो जाता है। हमने जो भी खाया वो ठीक से ना पचेगा और हम ठीक से जो सुसु पॉटी है वो भी नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पेट के अंदर जो गंदगी है वो भरना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये गंदगी हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करना शुरू करती है। तो इसलिए समय से सोना, अगर आप घर पर हैं, आप ऑफिस से अगर आ चुके हैं, तो आप आधे घंटे का रेस्ट करके, 1 घंटे का रेस्ट करके आप खाना खा लीजिए और उसके थोड़ी देर बाद आप सो जाइए। अगर आपको, बहुत लोगों का कहना होता है कि मेरे पास बहुत काम होता है, हम इतनी जल्दी नहीं सो सकते हैं, हमें रात में 12 बज जाएगा 1 बज जाएगा, आप जल्दी सो जाएं और देर रात जगने के बजाय अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं, 3 बजे 4 बजे आप उठ जाएं और वो काम, अगर आप जो भी काम आपका जो आप रात में करने वाले थे उस काम को अगर आप सुबह कर लें, आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा कि वो जो काम आपने सुबह किया था एक फ्रेश माइंड से ज़्यादा अच्छे से किया, ज़्यादा एफिशिएंटली किया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हमारे अंदर कि जिसका कोई हमें रीज़न समझ में नहीं आता है क्यों हो जाता है, बट हमारा जो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमने अपना ये लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो नियर फ्यूचर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और डेड श्योर है कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें इन्हें फेस करना पड़ेगा और तब शायद हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी समय है, अभी हम अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें, अपनी चीज़ों को बेटर कर सकें, तो सबसे अच्छा वही होगा। चले, इसी के साथ मैं ये वीडियो को आज देता हूँ एंड। संडे है, आराम करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और टाइम से खाना खाइए, टाइम से सो जाइए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।